हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं निकल चुका हूँ मुंबई टू लोनावला, क्योंकि आज मुंबई में लाइट नहीं है, तो मेरे जो दूसरा चैनल उस पर आज काम नहीं है। एक्चुअली वीडियो तो वहाँ पे काफ़ी थे मेरे पास, लेकिन अभी मैं जब मेरे पास काम नहीं था, मेरा चलो ठीक है यार लोनावला भी निकल जाए, ताकि मेरे मोटर व्लॉगिंग का भी कुछ वीडियोज़ और बन जाएगा। और आज गाड़ी दूसरी, आज सौरभ की गाड़ी लेके मैं चला रहा हूँ, मेरे फ्रेंड की बुलेट 350। कंफर्टेबल है यार, मतलब ज़बरदस्त चीज़ है ये गाड़ी में, लॉन्ग ड्राइव के लिए तो यार एकदम कंफर्ट है। क्योंकि मेरी यूनिकॉर्न देखे बहुत अच्छी है वो भी, बट वो थोड़ा से मुझे पेन देती है, बैक पेन देती है, और थोड़ा मतलब पता ही होगा यार, लॉन्ग ड्राइव के लिए वो गाड़ी ठीक है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव के लिए बैठ घाई घाई में मैंने एक चीज़ भूल गया, मैंने रास्ता ही गलत ले लिया। मुझे कुर्ला से वाशी वाला जो राइट माना था ब्रिज से, मैंने वो नहीं लिया, उसके आगे वाली ब्रिज, मतलब मैं सीधा सीधा मुलुंड वाले रास्ते पे, ये मुलुंड वाला रास्ता है इस पे आ गया, तो मुझे मुलुंड से पहले जब राइट मारना होगा एरोली वाला रास्ता, मुझे वहाँ से अब जाना पड़ेगा। बट ये है कि अगर बुलेट से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसमें बहुत ही अलग मज़ा है। और यार ये जो नई हेलमेट है ना, ये मुँह ऐसा मैं सब दबा के रखी, मतलब बोल बोल मोटर ब्लॉकिंग में बोल, क्यों था चुप बैठा, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत देखने को मिल रही है मुझे। और मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, पीछे सौरभ हो रहा है बोर, और भाई वो तो लॉन्ग ड्राइव पे उसका ज़्यादा आदत नहीं है ना, तो इस वजह से बार बार रुका रहा है। अरे यार पैर दुख रहा है, अरे यार सुसु करने का है। और अपना कैसा है कि कंटिन्यूसली 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तो आपको तो मालूम ही मेरा व्लॉगिंग चलते ही रहता है, तो कंटिन्यूसली मैं 100-150 किलोमीटर तो आराम से चला ही लेता हूँ, बट इसको बार बार रुकना पड़ रहा है। तो अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, बट हम लोग निकले ही लेट थे, इस वजह से हम लोग को थोड़ा टाइम हो गया। हम लोग को ऐसा कोई प्लान नहीं था यहाँ पर जाने का, बट लेकिन लाइट गई सुबह 10 बजे। अब मैंने इसे प्लान बनाया कि भाई चलो चलते हैं लोनावला, वैसे भी यहाँ पे रुक के क्या करेंगे, किसी बहाने एक अपना व्लॉग भी बन जाएगा मुंबई टू लोनावला का। तो 12 बजे बोला था, तो भाई का 1 बजे मुझे आया, मैं चलो भाई चलते हैं, हो गया काम, निकलते निकलते फिर हो गया 1:30, फिर फ्रेश वगैरह होते तो थोड़ा टाइम लग गया, बट ठीक है लेट ही सही, बट निकल ही गए। और जब निकल गए हैं तो इतना अच्छा अच्छा नज़ारा, इतने प्यारे प्यारे व्यूज आपको तो दिखाना ही पड़ेगा ना यार, हमारे व्यूवर्स लोगों को देखें, ये है व्यू, हसीन वादियाँ। और यहाँ पे हो रहा है रोड क्रॉसिंग। ओ यार वो छोटा वाला कितना प्यारा लग रहा है ना, पिंक पिंक है उसके नोस, आई लाइक इट बेबी पिंक। बेसिकली तो लड़कियों को पिंक पसंद होता है यार, बट हम बॉयज़ों को भी थोड़ी बहुत जगह पे पिंक पसंद आ ही जाता है। पिंक कलर थोड़ा क्यूट सा लगता है, ऐसा दिख के अभी आता है। तो मेरे पास भी एक लाइट कलर की टी शर्ट है, लाइट पिंक कलर की, जो मेरा भाई बोलता है यार क्या चूज़ करता है ये पिंक कलर, तुझे अच्छा लगता है क्या? मैंने बोला हाँ यार ब्लैक के ऊपर पिंक अगर मैं वेयर करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लाइट पिंक एकदम ज़्यादा भड़कीला पिंक अच्छा नहीं लगता। अभी यहाँ पे देखे ऊपर डॉग है पहाड़ के ऊपर, और ब्लॉगिंग करने का एक अलग ही मज़ा है यार, एक अलग ही सुकून है। गाड़ी ले लो, निकल जाओ अपनी मंजिल के लिए, और ब्लॉगिंग करने का जो मज़ा है ना गाइस, वो जो करते हैं उन्हें पता है, और आप भी करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बस बाइक ले लो और निकल जाओ अपनी मंजिल की तरफ, कंटिन्यूसली गाड़ी चलाओ, हमारी गाड़ी और ये रोड, बहुत मज़ा आता है। और हम लोग यहाँ पे भरा रहे पेट्रोल, बट पेट्रोल भराने का रीज़न नहीं था, भाई को सुसु करना था, सौरभ भाई को, तो लॉक कर देना उसको, हाँ, और सौरभ भाई को करना था सुसु, तो सुसु के भाई ने फिर हम लोग पेट्रोल ही भरा रहे हैं। सही है, ये देखो टायर ही बैठ गया उसका, हैवी लोड एक साइड पूरा गिर गया, टायर पूरा पंचर वंचर हो गया शायद से, हाँ अल्लाह उसकी हिफाजत करे। इसके लिए कभी भी गाड़ी वाड़ी चलाओ तो भाई प्रे करके चलाया करो, और जितना हो सके उतना सेफ्टी के साथ में। पहुंच गए हैं यहाँ, देखें फॉग ही फॉग, नीचे का तो कुछ दिख ही रहा नहीं, एकदम फॉग है। और सौरभ भाई थक गए एकदम, है ना सौरभ भाई? पानी का बोतल नीचे गिर जाएगा। हेलो गाइस,
इट्स सौरभ हियर, नाउ आई एम राइडिंग बाइक एंड अबूज आर सिटिंग बिहाइंड मी, नाउ वी रेजिंग लोनावला. It's going to Bushy Dam. हाँ स्नैप स्नैप पे बना थोड़ा नहीं तो इंस्टा पे स्टोरी रहती है ना, बना के खाली सेव कर, पोस्ट बाद में करेंगे. और आ गए हम टाइगर पॉइंट. यहाँ पर फॉग है, फॉग सिर्फ फॉग और फॉग, और फॉग के बाद में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट के मंकी जो कभी भी आप पर और मुझ पर हमला कर सकते हैं, हमारी कोई भी एक्सेसरी छीन के लिए भाग सकते हैं. अभी के शातिर चोर ये मंकी यहाँ पे हम लोगों को दिखने को मिल रहे हैं. तो टाइगर पॉइंट पे यहाँ पे आने के बाद मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा फॉग होगा, इतना ज़्यादा मतलब बादल नीचे आ जाएंगे हमारे लिए. और हाँ सौरभ, बादल हमारे लिए आज ज़्यादा कुछ नीचे आ गए ना. हाँ लग रहा तो ऐसे ही कि बादल हमारे कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गए, हमारी स्वागत में है. हाँ इतने बार मैं भी तो लोनावला आया लेकिन कभी टाइगर पॉइंट पे नहीं. आज मेरे बाइक की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ. चलो सौरभ भाई आज कुछ नया करके दिखाया हमारे व्यूअर्स लोगों को, कुछ नया कॉन्सेप्ट डालेंगे, आ जाओ इंशाल्लाह. और इतना ज्यादा मजा आया है, सबसे ज्यादा तो मजा बाइक चलाने में ही आता है. अभी तो फिलहाल आपने अगर ब्लॉगिंग बाइक चलाना बोले तो ब्लॉगिंग में हाँ आज ये भी ब्लॉगर बन गया ना सौरभ, यहाँ पे ब्लॉगर बन गया था वो भी मेरी हेलमेट लगा के. बस आज अंदर क्या क्या बोला है तभी तक मुझे पता भी नहीं है कि क्या क्या उसने अंदर ब्लॉगिंग में उसने बोला है. सौरभ एकदम मतलब देखना ही पड़ेगा आज आपको भी, सौरभ आपको व्लॉगिंग देखना पड़ेगा. यहाँ काफी इंजॉय किए हम लोगों ने यहाँ पे स्पेशली, और ऐसा नज़ारा बहुत ही रेयरली ज़्यादातर बारिश के टाइम पे ही देखने को मिलता है या ठंडी के टाइम पे देखने को मिलता है. बट फिलहाल अभी बहुत मज़ा आ रहा है, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, हर जगह फॉगी फॉगी और साथ साथ यहाँ पे मंकीज वगैरह भी है. तो अपने जितनी भी एसेसरीज है सबको संभाल के रखना है, नहीं तो यहाँ के शातिर चोर है जो मंकी वो आपका पूरा एसेसरीज लेके जा सकते हैं. सो बहुत संभाल के चलना है यहाँ पे आप लोगों को. फ्रंट में देखें पूरा फॉग फॉग फॉग. और अब हम वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड सौरभ के साथ में. सौरभ भाई मुझे फेवरेट चाय, हाँ इतना दूर लेके आए थे मेरी मोहब्बत का कुछ तो सिला दो कभी घर बुलाकर चाय पिला दो. वाह 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 क्या शायर है. इससे मैंने पता दुख और दर्द यहाँ पे लड़कियों का छोड़ना, ब्रेकअप हुआ होगा चाय के जरिए. लेकिन सही में इतना दूर आया हम लोग से एक चाय पीने के लिए. एक मतलब यार मुंबई से टाइगर पॉइंट एक कटिंग चाय पीने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, इनको इनको टी पसंद है और हमें कॉफी और टी दोनों पसंद है. मजा आया यहाँ पे क्योंकि बहुत मोहब्बत करना है ना. हाँ तो चाय से चाय वालों से करके देखो, कॉफी वाले तो सिर्फ लव करते हैं. अच्छा हमारे एक चाय वाले ने हमें लूट लिया है, एक चाय वाले ने हमें लूट लिया. अभी कितना तुम और लुटवाना चाहते हो चाय वाले से मोहब्बत करके. सो गाइस वीडियो करता हूँ यहाँ पे एंड और उम्मीद करूंगा कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा. राइट 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 बहुत पसंद आया ना, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और जाते थे दबा दो सब्सक्राइब बटन, दबा ही दो, जाओ तभी जाना, नहीं तो मत जाना. गुड बाय.